सो गाइस ये हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आप ये देख सकते हो द टॉप ऑफ द माउंटेन, बहुत ही मंजिल नज़दीक आ गई है हमारी। अब हम मंजिल से बहुत करीब हैं, हम उसके ऊपर भी जाएंगे और आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ ऊपर से। और रास्ते का मैंने बताया ना, बहुत ही मुश्किल हो रहा था ऊपर आना, बट फाइनली हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं। और भी ऊपर थोड़ा चढ़ना होगा हमें, सो लेट्स स्टार्ट क्लाइंबिंग अगेन। एंड मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी प्लांट्स है, और वो देखो वहाँ से वाटरफॉल भी होता है, वो एक रास्ता बना है पानी गिरने का, ऊपर से वाटरफॉल होते 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 वो पूरे नीचे को जाता है, वो भी मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हमें इस रास्ते से चढ़ना होगा वहाँ के लिए, सो लेट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अप। ये देखो आप, यहाँ पे जूते फिसलती है क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही स्लाइड कर रही है, लैंड स्लाइडिंग के जैसे, दैट्स वाई। तो आपको ये सारे पेड़ पकड़ पकड़ कर चढ़ना होगा, जैसे मैंने भी अभी पकड़ लिया तो मुझे आराम हो रही है ऊपर की तरफ जाने में, और इससे आपको सपोर्ट भी मिलता है चढ़ने को, सो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर पकड़ कर चढ़ते हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा सेफ़ हो एंड बेटर लगता है चढ़ने को भी, रास्ता भी थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास सपोर्ट होता है। और वो देखो झाड़ियाँ हटा रहा है अल्ताफ, क्योंकि बहुत सारी सूखी झाड़ियाँ हैं जिसमें कांटे लगे हैं, आप सामने से देख सकते हो इसमें भी बहुत सारे कांटे लगे हैं, तो इन कांटों से बचना है। और कैन यू सी दिस, मुझे कांटा चुभ गया। सो गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे अभी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है यार, तो यहाँ पे थोड़ा छाँव है, यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से क्लाइंबिंग करेंगे। और ये आप हमारी मंजिल देख सकते हो, बहुत ही करीब आ चुकी है, और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, तो गिव मी अ चांस टू शो यू दैट। और ये देखो आप, मेरी जूती स्लिप हो रही है, ये देखो आप कितना प्यारा एंड कितना बेहतरीन नज़ारा है। इस पेड़ के नीचे हैं हम लोग पहाड़ के ऊपर, ताकि हमें थोड़ी छांव में धूप से राहत मिले। सो गाइस हमने रेस्ट कर लिया, अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। और अल्ताफ कहाँ भाग गया यार, देख ही नहीं रहा, वो इधर से गया है, तो हमें भी इधर से चलना चाहिए। यहाँ पे झाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा है इसलिए झाड़ियों के पीछे कुछ नहीं दिख रहा, वो कहाँ गया। लेट्स गो, और इन झाड़ियों से बचना भी है हमें, सो हाँ बच गया मैं, वो रहा अल्ताफ हमारे आगे खड़ा है, झाड़ियों से छुपा था। और यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत डिस्टर्ब दे रही है चढ़ने को ऊपर, सो गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ये हम लोग टॉप की तरफ जा रहे हैं, और भी टॉप पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपको पूरे ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे कैसा दिखता है विलेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। ओह नो, मेरी पैर स्लिप हो रही है, यहाँ पे बहुत ही स्लाइडिंग वे है ये, एक मिनट गाइस मुझे थोड़ा संभल कर चढ़ना होगा। ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चट्टान है,
और वो है हमारा मंजिल। हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं उसको, और ये हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। मेरी बॉडी पे बहुत सारी स्क्रैचेस लग गई हैं यार कांटों से, बट चढ़ना तो है। आई एम फीलिंग लाइक मांझी द माउंटेन मैन, और इसे देखो स्पाइडर मैन। ओके गाइस, अभी हमको इसके ऊपर चढ़ना होगा, तो प्लीज़ वेट। गाइस नाउ वी आर ऑन टॉप। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे वो वाली चोटी है जो मैंने आपको दिखाई थी और आपको बताई थी जिस पे जाना है मुझे, और ये आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो। जस्ट लुक एट दैट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ से हम लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे जंगल है, ये पूरी झाड़ियाँ से भरी है, यहाँ पे रास्ते नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल होना है जाने को। और मुश्किल क्या होना मीन्स रास्ते ही नहीं है तो जाऊँगा कैसे। वैसे आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हो, ये हमारा बैक पोर्शन है जहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ कर आए, और ये है वो पोर्शन जो ठीक इस माउंटेन के पीछे साइड दिखता है। मैं अभी कैमरा को बैक करूँगा तो आपको ठीक से दिखेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ये आप देख सकते हो गाइस, ये है टॉप, और हम लोग ठीक टॉप के नज़दीक खड़े हैं। यहाँ पे और रास्ते नहीं है जाने को, सो ये एंड होता है, और ये है पीछे का व्यू जहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ कर आए। वो आप देख सकते हो सब कुछ कितना छोटा छोटा दिख रहा है। बहुत ही दूर चले आए हैं, बहुत ही ऊपर आ गए हम, और बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ये आप देख लो, वो जो साइड से हम लोग आए हैं उसके ठीक अपोजिट साइड है ये यहाँ पे भी सब कुछ दिख रहा है। लाइक हम लोग बीचों बीच खड़े पहाड़ के, और ये वाला कॉलेज है यहाँ का, बहुत ही बड़ा कॉलेज है। कितना खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ ऊपर से। हम लोग बहुत ही टॉप पे खड़े हैं, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये है लास्ट चट्टान जिस पे मैं चढ़कर अभी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँगा अपनी, तो गाइस मेरे उस फ़ोटो को भी लाइक करना। और जैसा कि मैंने बताया, मैं इसी तरह सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आपको और भी न्यू चीज़ें दिखा सकूं, न्यू अपडेट दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं टॉप ऑफ द माउंटेन पे बैठा हूं। ये हमारे पीछे वो बड़ी वाली चोटी, उसके ऊपर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट वी आर ऑन द टॉप। इसके ऊपर और भी कहीं नहीं जा सकते। ये यहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है, और वो अल्ताफ मेरे ऊपर थोड़ा सा बैठा है, और मैं आपको अगर फ्रंट कैमरा करके यहाँ से नज़ारा दिखाऊं तो आप देखो कुछ इस तरह। जस्ट हैव अ लुक, ये है नज़ारा पहाड़ के पीछे का। हम लोग पीछे की साइड से ऊपर चढ़े हैं, तो उसके अपोजिट कुछ अलग ही व्यू है। और ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी दिखती है ये चट्टान। हम लोग नीचे से देख रहे थे तो छोटा सा लग रहा था। हम लोग ये झाड़ी के पीछे वाले साइड से चढ़कर ऊपर की तरफ आए हैं, और ये अपोजिट साइड है पहाड़ का, लाइक आप ऐसे कह सकते हो बैक साइड है, और मेरे नीचे खाई है। यहाँ से गिरा तो बचने का नो चांसेस। और ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल, कितना ही वंडरफुल नज़ारा है। ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, कैन यू सी दिस गाइस, इट्स अमेजिंग। जस्ट हैव अ लुक, वो पीछे कॉलेज, ये कॉलेज है यहाँ का, RCIT इस कॉलेज का नाम है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है ये कॉलेज। और ये आप देख सकते हो हम लोग चोटी के बिल्कुल एंड पे बैठे हैं, यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं,
सो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।